हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक नया पार्ट और लेकर आया हूं करंट अफेयर का, स्टार पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है करंट अफेयर की, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, आप किसी भी एग्जाम को देने चले जाएं, इनसे बाहर नहीं आएगा। इसमें 2017 और 2018 की करंट अफेयर मैंने कंप्लीट की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो अभी नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाए, जो सब्सक्राइब का बटन है, और उसके बाद आता है एक बेल आइकन, उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, वीडियो का मैसेज डलते ही आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और प्लीज आप लाइक शेयर करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। हाल ही में भारत के जिस खिलाड़ी ने 18वां विश्व स्नूकर खिताब जीता, पंकज आडवाणी ने, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को व्यक्तिगत खेल श्रेणी में साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, किदांबी श्रीकांत को। चीन का वह बैंक जिसने हाल ही में कर्ज अदायगी के मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ मुंबई स्थित कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में याचिका दायर की, चाइना डेवलपमेंट बैंक। न्यूजर्सी के होबोकेन शहर के मेयर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, रविंद्र भल्ला को। हाल ही में जिस देश ने माउंट अंगूग ज्वालामुखी के पूर्ण सक्रिय होने के बाद रेड अलर्ट जारी किया है, इंडोनेशिया ने। किस देश ने 7वें विश्व सैन्य खेल आयोजित किया जाएगा, चीन में। भारत और किस देश ने हाल ही में व्यापार, निवेश, ऊर्जा तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता अनेक क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने का फैसला किया है, फिनलैंड ने। किन्होंने अबू धाबी ग्रां प्री में जीत दर्ज की है, वालेट्री बोटास ने। भारत ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, 10 पदक। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पद से दिए जाने वाले भत्ता कितने गुना बढ़ाकर 4500 रुपये मासिक कर दिया है, 2 गुना। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य ने इंडिया इंटरनेशनल सीरीज के फाइनल में खिताब जीता, लक्ष्य का यह अंतर्राष्ट्रीय खिताब है 3रा। वह वरिष्ठ नौकर था जिसने हाल ही में G20 वार्ता हेतु भारत का शेरप्पा चयनित किया गया, शक्तिकांत दास। वह देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में नशीले पदार्थ एवं मानव तस्करी और आर्थिक अपराधों पर रोकथाम हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, रूस। रूस के साथ किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इविका ट्रंप हैदराबाद में किस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में। पाकिस्तान के कानून मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, जाहिद हामिद। वह पहली भारतीय महिला जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का उप महानिदेशक नियुक्त किया गया, सेमैया स्वामीनाथन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का उद्घाटन किया, हरियाणा में। रितु फोगाट ने अंडर 23 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो पदक जीता, रजत पदक। हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2017 के फाइनल में भारत ने किस देश की टीम को हराकर खिताब जीता, पाकिस्तान की टीम को।
वह भारतीय पुरुष एथलीट जिन्होंने हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, गोपी थोनाकल। राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रीतम सिंह को। एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप सिंह खरोला को। भारत सरकार द्वारा किस देश के परिवहन मंत्रालय को करीब 18.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? अफगानिस्तान को। किस राज्य ने 28 नवंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू की गई? मणिपुर में। केंद्र सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बद्री नारायण शर्मा को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर प्रतिस्पर्धा विरोधी रवैये के कारण कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 52.24 करोड़ रुपए। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने किस पदक को जीता? स्वर्ण पदक। वह देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इटली के साथ। अमेरिका की वह यूनिवर्सिटी जिसने आकाशगंगा के ब्लैक होल के नजदीक तारे की खोज की घोषणा की है? नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी। रेल मंत्रालय ने परियोजना स्वर्ण के तहत किस स्थान से पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत की? नई दिल्ली से। भारत की महिला खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता? सेखोम मीराबाई। आईसीएसई द्वारा जारी अधिसूचना में अब 12वीं परीक्षा पास करने वालों के लिए पहले 40% की उपेक्षा अब कितने प्रतिशत अंक लाना अवश्य होगा? 35%। आईसीएसई द्वारा जारी अधिसूचना में अब 10वीं पास करने वालों के लिए 35% की उपेक्षा कितने प्रतिशत अंक लाना प्राप्त अवश्य होगा? 33% 10वीं में। वह देश जिसने हाल ही में अमेरिका द्वारा अस्पर प्रतिबंध के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। वह स्थान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेट्रो का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। अमेरिका में कितने मुस्लिम देशों हेतु नए वीजा मान्यदंड जारी किए गए हैं? 6 देश। राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में किस देश के प्रोफेसर हिरोशी मारुई को तीसरे प्रतिष्ठित ICCR भारतीय विद पुरस्कार से सम्मानित किया है? जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के नगोले और मियापुर के बीच कितने किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की है? 30 किलोमीटर। यह ध्यान रखना है, नगोले और मीरापुर के बीच में चलाई है इन्होंने, मियापुर में, ठीक है। वह स्थान जहां भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया? वायनाड केरल में। किन्होंने हाल ही में ब्राजीलियन फॉर्मूला 1 ग्रांप्री रेस जीती? सेबिस्टियन वेटल ने। भारत का वह राज्य जहां हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया? नागालैंड में। वह विदेशी शहर जहां हाल ही में नमामि गंगे रोड शो का आयोजन किया गया? लंदन में।
भारतीय अभिनेत्री जिसे भारत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सद्भावना दूत नियुक्त किया गया दिया मिर्जा को। किस समुदाय को 5% आरक्षण देने संबंधित बिल आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ? कापू समुदाय को। भारत के वरिष्ठ शीतकालीन ओलंपियन शिवा केशवन ने किस देश के एल्टेनबर्ग में एशियाई डब्ल्यू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? जर्मनी। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र CWUPRS किस शहर में स्थित है? पुणे में। भारतीय मुक्केबाजी की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के पद से किसने इस्तीफा दिया है? मैरीकॉम ने। वह कैब सेवा प्रदाता कंपनी जिसने घोषणा की है कि वह साइकिल रेंटल सर्विस शुरू करेगी? ओला ने। उस वर्चुअल करेंसी का नाम हाल ही में जिसकी एक मुद्रा की कीमत $10,000 के पार हो गई, बिटकॉइन। एक बिटकॉइन $10,000 के से ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाल ही में कोलकाता और बांग्लादेश के बीच आरंभ की गई रेलवे सेवा बंधन एक्सप्रेस। अमेरिकी नागरिकों पर किस देश की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्यूबा की। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपना कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करिएगा। और आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है करंट अफेयर को, और सारी मैथ की और GK की सभी ट्रिक की वीडियो, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं नीचे टेलीग्राम में जाकर के। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है मैंने, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।